रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने के लिए। एक लोग इस तरीके से आप मतलब उन जाते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे, मोटिवेशन देकर वो देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। कितने कोर्सेज हैं आपके यहाँ पे? टोटल हमारे 5 कोर्सेज हैं। और एक कोर्स ऑन एन एवरेज कितने का है? सबसे हमारा लीस्ट कोर्स है 1499 का। जो सबसे महंगा कोर्स है वो कितने का है? 1499 का। 1500 रुपए से लेके 15000 के बीच के कोर्सेज है। अब जो एक इंसान है वो एक कोर्स भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, चार भी ले सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक वीडियो में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछले हफ्ते में सोशल मीडिया पर दो सेलिब्रिटी या फिर कह सकते हैं दो इन्फ्लुएंसर काफ़ी चर्चा में हैं। नंबर एक पर आते हैं विवेक बिंद्रा, नंबर दूसरे जो मोटिवेटर हैं, मेंटर हैं आपके, हमारे सबके पसंदीदा संदीप महेश्वरी जी। इन दोनों के बीच में सोशल मीडिया पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है। 11 दिसंबर को संदीप महेश्वरी जी के चैनल पर एक वीडियो आता है, यानी कि वीडियो अपलोड की जाती है, और उस वीडियो में क्या था कि एक बच्चे के द्वारा स्कैम को लेकर चर्चा हो रहा था कि आजकल ऑनलाइन एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऐसे बहुत सारे चीज़ों का स्कैम कैसे हो रहा है। एक लोग इस तरीके से आप मतलब उन जाते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे ऐसा करके, यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे, मोटिवेशन देकर वो देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर ऐसा कर देते कि उनका प्रोडक्ट सेल। उस वीडियो में घंटा किसी को ये समझ में नहीं आया कि आई थिंक वो वीडियो किसके लिए है या फिर किसको टारगेट किया जा रहा है या फिर किसके लिए वो वीडियो बनाया जा रही है। लेकिन अगले ही दिन सोशल मीडिया पर लोगों के द्वारा रिव्यूज वीडियो अपलोड किए जाते हैं और उसमें टारगेट किया जाता है विवेक बिंद्रा जी को। अब इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए विवेक बिंद्रा जी कंफर्म करना चाहते हैं कि यह सच में क्या वीडियो उनके लिए है। वो बिंद्रा जी संदीप महेश्वरी जी के पास कॉल करते हैं, संभवतः उनका कॉल संदीप जी रिसीव नहीं कर पाते। उसके बाद क्या है, कैसे है, मतलब दोनों का कनेक्शन नहीं हो पाता आई थिंक क्लेरिफाई करने के लिए। अब यहाँ पर घमासान ये मचा हुआ है स्कैम को लेकर। अब उनका पक्ष क्या है और उनका पक्ष, आज के इस वीडियो में दोनों का पक्ष मैं रखने वाला हूँ उन्हीं की जुबानी। तो आपको ये डिफाइन करना है कि क्या स्कैम सच में हो रहा है या फिर विवेक बिंद्रा जी ने स्कैम किया है या फिर संदीप महेश्वरी जी ने जो ये मुद्दा उठाया है। पहले तो उन्होंने कहा कि मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन मैं अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका हूँ और इसके वीडियो में उन्होंने अपलोड भी किया। संभवतः वो वीडियो 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देख भी लिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि मैं इसमें अब डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका हूँ। हालांकि उस वीडियो को जो उन्होंने पहले स्कैम की वीडियो अपलोड की थी, उसमें दूर दूर तक किसी कंपनी या फिर किसी पर्सन का नाम नहीं था, आपने भी देखा होगा। अब ये जो सोशल मीडिया पर इतना बवाल मचा हुआ है स्कैम को लेकर, किसी के पास कोर्स बेचना, किसी को वर्क फ्रॉम होम जैसी चीज़ों को करवाना, ये क्या सच में स्कैम है? उसके बाद उनका एक वीडियो और आता है, उस वीडियो में उन्होंने कहा कि जिस काम को 90% लोग खराब बोलें या फिर 90% लोग ट्रस्ट ना करें तो वो स्कैम होता है। इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में आप देखिए और उसके बाद अपने ओपिनियन दीजिए कि किसका कौन सा पक्ष सही है। क्या संदीप महेश्वरी जी ने ये स्कैम का जो मामला उठाया है या लीगली है, ये समाज के लिए ज़रूरी है? क्या इसमें बच्चे सच में फंस रहे हैं? और ज़्यादातर जो बच्चे फंस रहे हैं, जो देखने को मिलता है, वो बच्चे आपके 12th से लेकर ग्रेजुएशन लेवल के होते हैं। उन्हें उस समय सनक सवार होती है कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की, या फिर कह सकते हैं शॉर्ट टर्म में उनको ये लगता है कि करोड़पति लाखपति मैं बन जाऊं। जो कुछ कन्विंसर होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कन्विंस करते हैं चंद लोगों के एग्जाम्पल देके कि भाई ये देखो 5 करोड़ कमाया, ये देखो 10 करोड़ कमाया, 20 करोड़ कमाया। आई थिंक ऐसी चीज़ों को दिखाकर उनको कन्विंस करते हैं। तो आपको जो भी लगेगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को जारी करते हैं और दोनों पक्ष रखते हैं, आपके क्या ओपिनियन है जरूर बताइएगा। प्लेटफॉर्म एक्चुअली जेन्युइन है और वहाँ पे आपको ये नहीं सिखाते हैं कि आपको पैसे कैसे कमाने, आपको वो सिखाया जाता है कि आपको स्किल्स कैसे डेवलप करने हैं, मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स आपका हो गया या फिर हो गया कि जैसे आपका ईमेल मार्केटिंग हो गया, जो आगे का स्किल्स आपका जो डेवलप कर रहा है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो हमारे मतलब इसमें और पैसे कमा सकते हो।
एक दो महीने से जो अफिलिएट मार्केटिंग है वो थोड़ा डाउनग्रेड जा रहा है। मतलब मैं फेसबुक एड रन भी करता हूँ लेकिन वैसा हो नहीं पा रहा है। इसमें कितना पैसा लगाया था आपने? मैंने अभी 6,000 रुपीज लगाया है। कितने कोर्सेज हैं आपके यहाँ पे? टोटल हमारे 5 कोर्सेज हैं। और एक कोर्स ऑन एन एवरेज कितने का है? सबसे हमारा लीस्ट कोर्स है 14,99 का। जो सबसे महंगा कोर्स है वो कितने का है? 14,999 का। 1500 रुपए से लेके 15,000 के बीच के कोर्सेज है। अब जो एक इंसान है वो एक कोर्स भी ले सकता है, दो भी ले सकता है, चार भी ले सकता है। बिल्कुल, बाद में वो अपग्रेड भी कर सकता है कोर्सेज को। आप ये बताओ कि ये जो अब आप फेसबुक पे एड्स रन कर रहे हो, शुरू में आपको थोड़ा बहुत रिस्पांस आ रहा था, अब रिस्पांस नहीं आ रहा, उसके पीछे क्या लगता है, क्या रीजन है? एक्चुअली फेसबुक का थोड़ा एल्गोरिदम चेंज हुआ है और एल्गोरिदम ये है कि वर्क फ्रॉम होम जो चीजें हैं फेसबुक अब उसे मतलब बैन कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि बहुत कुछ भी लोग फेसबुक पे ऐड रन कर देते थे। तो अगर फेसबुक ये सब बैन कर देगा जिस भी तरह की आप ऐड चलाना चाह रहे हो, क्योंकि आप इसको चाहे जो मर्जी बोलते रहो, है तो ये बेसिकली वर्क फ्रॉम होम ही और पैसा कमाने का एक शॉर्टकट है, तो इसको अगर फेसबुक बैन कर देता है तो आप क्या करोगे, आपके पास में बैकअप प्लान क्या है? एक्चुअली अगर फेसबुक इसे अगर बैन कर रहा है तो मैं इस मतलब गूगल एड्स की तरफ रन करूंगा, या फिर मेरा एक मैंने इंस्टाग्राम पे अपना प्रोफाइल बनाया हुआ है और इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने ऑर्गेनिकली मतलब रील्स डालता हूँ मैं, और रील्स के थ्रू मैं ऑर्गेनिकली भी लोगों को बताता हूँ, अवेयरनेस फैलाता हूँ कि हाँ आप इस चीज से स्किल सीख के आप पैसे भी कमा सकते हो। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो कंपनी, जिस भी कंपनी को आपने ज्वाइन किया हुआ है, उस कंपनी में ऑल ओवर इंडिया में कितने लोग हैं जो आपकी तरह ही काम कर रहे हैं? हमारे प्लेटफॉर्म पे सर अप्रॉक्स 130,000 रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं। और भी इस तरह की कंपनीज होंगी? हाँ बिल्कुल। ऐसी और कितनी कंपनीज हैं? लगभग 10-12 कंपनीज और हैं जो बड़ी हैं। हाँ, और छोटी मोटी तो पता नहीं कितनी होंगी। बहुत है। जो 10-12 कंपनीज और हैं वहाँ पे कितने लोग होंगे नियर अबाउट? यही सेम रेशियो है, हर कंपनी में 1.5 लाख लोग। हाँ, लगभग सेम रेशियो। तो हम टोटल कह सकते हैं कि इंडिया में इस वक्त इस तरह का जो काम है वो 10 से 20 लाख लोग कर रहे हैं, जिनमें से आप भी एक हो। राइट। और कोर्सेज सेल करने की कोशिश कर रहे हो अलग अलग तरीकों से। right. कोई है जो इनकम को आगे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, उनको तो फेसबुक या जो भी प्लेटफॉर्म होगा वो बैन कर देगा। और कुछ है जो कोर्सेज की बात करेंगे, आप कोर्सेज की बात करोगे तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा आपके पास में। मैं ठीक कह रहा हूँ? राइट। तो अब ये काम चलेगा कैसे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे 10 लाख लोग और हैं जो उन्हीं गिने चुने लोगों को टारगेट कर रहे हैं अलग अलग तरीकों से। टिकली हुआ क्या है कि क्योंकि आप इस एफिलिएट में इतने टाइम से जुड़े हुए हो तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास में उसका जवाब होगा, और वो जवाब जो 6,000 रुपए ले रहे हैं, 8,000 रुपए ले रहे हैं, उनसे सीखना बेटर है। तो एक ऐसा कोर्स आपने किया किसी ऐसे इंसान से जिसने आपको ये तक नहीं बताया कि एक्चुअल में अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखनी है तो आप जा करके इनकी बुक पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप किसी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हो और इंजीनियरिंग की जो वर्ल्ड की नंबर वन किताब है उसके बारे में आपको पता ही नहीं है और आप कह रहे हो कि मैं इंजीनियर हूं। तो ये हो क्या रहा है, अगर आप ध्यान से समझोगे कि एक तरीके से कंडीशन कर दिया गया है लाखों लोगों को एक पर्टिकुलर तरह से सोचने के लिए, जहां पर कि कोई भी सामने से क्वेश्चन पूछेगा उसका आपके पास में आंसर होगा पहले से ही, और वो जो आंसर आप दे रहे हो अगर आप ही की कंपनी का या और जो कंपनीज हैं जो इस तरह के एफिलिएट प्रोग्राम रन करती हैं वो भी इसी तरह से अपने कोर्सेज सेल कर रही हैं तो वो भी सेम आंसर देंगे वहां पर, तो बेकार है, ये बहुत बढ़िया है कि झूठ बोलने पड़ेंगे, तो अंदर से आप करप्ट होते चले जा रहे हो। पुल का मतलब क्या होता है, आपने सीधी सीधी बात बोली, भाई ये है करना है करो, नहीं करना कोई बात नहीं। हो क्या रहा है, देखो ध्यान से समझो, ये जो आप कर रहे हो आप ये मत समझना मैं आपके बारे में कुछ कह रहा हूं, आपके थ्रू मैं बात कर रहा हूं लाखों बच्चों से जो अभी स्कूल कॉलेज से निकले हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब दूर से देखने में बहुत अच्छा लगता है, शॉर्टकट जैसा लगता है, ऐसा लगता है कि बस फटाफट से मेरा काम हो जाए, फटाफट से मेरे को बहुत सारा पैसा मिल जाए, लेकिन ये दूर से देखने में जितना अच्छा लग रहा है, जितना आसान लग रहा है, अंदर जाने के बाद में उतना ही मुश्किल काम है। हो सकता है शॉर्ट टर्म में अभी आपको बहुत मजा आ रहा है, आने वाले टाइम में चीजें और मुश्किल होती चली जाएंगी। सर डिक्लाइनिंग भी है, धीरे धीरे खत्म भी हो रही है, खत्म होना ही है, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा ही आएगा। देखो कोई भी इस तरह की जो स्कीम होती है, स्ट्रक्चर होता है, वहां पे क्या होता है, एक सैचुरेशन पॉइंट आता है, जो लोग सबसे शुरू में आते हैं वो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। जैसे जिस फील्ड में मेरे को मतलब इंटरेस्ट है, मैं कन्विंसिंग अच्छा कर लेता हूँ, तो वो फील्ड मेरे को हटा के मेरे को 2-3 सालों में ऐसा सोचना है कि मैं मतलब बन सकता हूँ एज अ इंश्योरेंस एजेंट। क्यों नहीं मैं इंश्योरेंस एजेंट पे जाता हूँ ताकि मैं लोगों का बेनिफिट भी कर सकूँ, साथ ही साथ मैं उससे इनकम भी कर सकूँ,
और मतलब जितना अच्छा कन्विंसिंग पावर है या मैं जितना अच्छा दूसरे के क्वेश्चंस को हैंडल कर पाता हूँ वो वहाँ पे क्यों नहीं करूँ। जो इंश्योरेंस एजेंट्स हैं वो भी दो तरीके के हैं, एक वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें सबसे ज्यादा फायदा उनको है, दूसरे वो जो वो प्लान बेचेंगे जिसमें कस्टमर का फायदा है। अगर आप ऐसे बन पाओ तो लॉन्ग टर्म में बहुत पैसा कमाओगे। मतलब अगर आप यहां पर जा करके ये सोचोगे मेरे को बस फटाफट से अगले एक साल के अंदर अंदर करोड़पति बनना है तो कभी नहीं बन पाओगे। या तो वो आगे चल के बताएगा दूसरे को कि देखो इसने मेरे को बेस्ट पैकेज रिकमेंड किया था, भले ही उसका कमीशन कम हो लेकिन रिकमेंड करेगा वो दूसरे लोग को भी, अपने फैमिलीज को भी, अपने फ्रेंड्स को भी। ये जो वर्ड है ना, वर्ड ऑफ माउथ, इसको गांठ बांध दो। कोई भी आप काम कर रहे हो अगर वहां पे वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव है इन 90% ऑफ द केसेस तो बिजनेस बढ़िया है, लेकिन अगर वर्ड ऑफ माउथ नेगेटिव है इन 90% ऑफ द केसेस तो वो काम बेकार है। फ्रॉम रिक्वेस्ट है कि आप हम सब के लिए, मेरे लिए, जनता के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है। आपको समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे अपने सामने बिठा के सवाल करने की। आपको वापस बैठ बोल दिया सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने जवाब नहीं दिया। अब आप कुछ बता रहे हैं, तंगी गंजा वगैरह कुछ और पोस्ट डाल रहे हैं, डालिए, आपके पास पूरा अधिकार है। तो मुझे ये लगता है कि संदीप जी बिजनेस मास्टरी कोर्स कर रहे हैं इस समय, वो उनका लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं शायद, उस पर उनको व्यूअरशिप नहीं आता है। ये कॉन्ट्रोवर्सी किया है, इस पर उनको बहुत अच्छा व्यूअरशिप आया, अधूरा किया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पोस्ट किया। तो कभी भी बड़ी प्रेम वाली चर्चा करेंगे। आप बोलिए आप हमारे ऑफिस आइए, या हम आपके ऑफिस आते हैं, या हम दोनों किसी का ऑफिस चलते हैं और चर्चा करेंगे। बिल्कुल इग्नोर करने वाले जैसे इनविटेशन आता है कि हाँ जी आपने इनवाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी करने की। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतनी सच्चाई है उसमें? सच्चाई नहीं है एक्चुअली, क्योंकि क्या हुआ, ये संदीप महेश्वरी जी को हम सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार भी करते हैं। पहले जो आपने ओपनिंग दिया उसमें करेक्शन दे देता हूँ मैं। मैंने नहीं लिखा ऐसा कि ये मेरे बारे में है। जब ये वीडियो आया, लोगों ने हमारे पे वीडियो बनाए, तो मैंने एज रूटीन संदीप भाई को फ़ोन किया, उन्होंने मेरा फ़ोन नहीं लिया। उनकी सेक्रेटरी को किया, उन्होंने फ़ोन नहीं लिया, भगा दिया वहाँ से, बुरा भला बोल के भगा दिया, बदतमीजी के साथ भगा दिया। नेक्स्ट डे अब रात हो चुकी थी, उस समय 9 बज रहे थे, 8:30-9 बज रहे थे, जाहिर सी बात है ऑफिस बंद होगा। तो नेक्स्ट डे सुबह मेरे कॉलीग फिर से गए, क्योंकि उनका ऑफिस घर पास पास ही है, 5 मिनट के रास्ते पे है, तो ऑफिस गए कि भाई संदीप सर ऐसा ऐसा है, विवेक सर आपसे बात करना चाहते हैं। तब उन्होंने बोल दिया कि जी संदीप जी तो पहाड़ों पे चले गए मौन व्रत पे। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप उनकी टीम में कैसे बात कर रही, तो कोई जनरल मैनेजर थे, उन्होंने बात किया। तो मैंने कहा यार हमारा बड़ा अच्छा रिलेशन है, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये जो वीडियो बनाए इसके बारे में उन्होंने दूसरा पहलू देखा नहीं। 2-3 बच्चों ने कुछ बोला, वो बच्चों ने जिन्होंने बोला वो इकट्ठे एक ही जगह पे कैसे थे, क्यों थे, क्या साबोटाज प्लान था। 1 घंटे का आपका वीडियो था, 1.25 घंटे का, उस 1.25 घंटे के वीडियो को आपने काट के 10 मिनट का कर दिया, 10 मिनट में दिखाया आपने, 10-10 मिनट का दिखाया कोई बात नहीं, लेकिन दिखाते वक्त बड़ी लीडिंग क्वेश्चंस क्यों थे। भाई हम इस पर चर्चा कर लेते हैं और आपको दूसरा पर्सपेक्टिव देता हूँ, शायद आप अपने अगले वीडियो में आपके काम आ जाए, शायद आप अगला कोई वीडियो बनाओगे। हमने तो बोला नहीं उनको डिलीट कर दो वीडियो, किसी ने नहीं बोला। उन्होंने ये लिखा कि आपको लीगल धमकी दी गई है, लीगल नोटिस भेजा गया है। मैं तो बाद में रिएक्ट किया था ना, पर संदीप जी ने लिख दिया रहा, तो पहला तो कोई नोटिस हमने भेजा नहीं। उन्होंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में पहले मेरे बारे में लिखा, प्रिय विवेक, पहले लिखा कि मुझे धमकी दी जा रही है लीगल, अगले वाले में लिखा प्रिय विवेक। मैंने जब उन्होंने मेरा नाम लिख के लिखा तब रिस्पॉन्ड किया था, उससे पहले तक नहीं लिखा मैंने। एक और मैसेज आता है प्रिय विवेक ऐसा ऐसा करके कि हमने उनको लीगल, तो उनको कोई नोटिस भेज गया ही नहीं हमारी तरफ से, हमें तो मिलने के लिए बात करने के लिए बोला था, तो गलत बोला उन्होंने। बहरहाना पर्सपेक्टिव बता देंगे, सुलझे हुए लोग हैं, जो बच्चे जिनकी आप बात सुन रहे हो वो हम के आए थे, उस लड़के को उसकी ब्रांच के IBC मैनेजर ने फोन किया था, उस लड़का संदीप सर को नहीं किसी ने फोन किया, वो जो यंग जेंटलमैन थे वहाँ पे बच्चे जो थे, वो बच्चा हमारे एंटरप्रेन्योर लॉन्च पैड में 3 लाख रुपए की प्रीमियम सीट पे बैठा हुआ था। वो लड़के की वीडियोज है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूँ यार, बहुत कमा रहा हूँ, उससे बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं है। Hey guys, नमस्कार, सबसे पहले मैं सोनू गौर, बिजनेस कंसल्टेंट, डॉक्टर वीरेंद्र सर की टीम से, एंड नाउ आई बिकम द बड़ा बिजनेस फ्रेंचाइजी। मेरे को जो मैं पढ़ाई कर रहा था उसमें मेरे को लिटरली इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, मतलब जो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ उसमें प्रैक्टिकल चीज दिख नहीं रही थी।
तो मैंने मैंने ना बिलियनर्स ब्लूप्रिंट प्रोग्राम की लॉन्चिंग जब देखी तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग सिखा रहे हैं वो बिलियनर्स लोग हैं, मतलब प्रोफेसर जो बिलियनर्स प्रोफेसर हैं। और तो मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरे को क्लियर हो गया, हाँ मेरे को यही तो सीखना था मेरे को, मैंने वो जब देखा हाँ यही मेरे को यही सीखना था मेरे को क्लियर हो गया वो देखने के बाद। विद इन फोर डेज मतलब 3 दिन की ट्रेनिंग होने के बाद ही 4 डेज के अंदर मेरी फर्स्ट सेल भी हो गई। जो लोग कहते हैं कि मतलब कैसे मतलब पैसा कि आएगा नहीं आएगा आएगा नहीं आएगा, उसकी बता रहा हूँ मैं, विद इन फोर डेज फर्स्ट सेल हो गई मेरी, देख सकते हो आप। और मैं अब टीम से क्वालिफाइड हूँ, टीम से मतलब द मिलियनर्स क्लब, जहाँ जिसमें देश के धुरंधर आएंगे 3 तारीख को देश के धुरंधर आएंगे दिल्ली में, और उसमें मेरे को इनविटेशन पर्सनल इनविटेशन जहाँ पर डॉक्टर विजेंद्र सर भी आएंगे और मैं भी वहाँ पर जाऊँगा, ठीक है। और अभी मैं TMC के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ, TMC मतलब द मिलियनर क्लब, कब 3 दिन की ट्रेनिंग ली और विद इन 4 डेज सील हो गई, और देखो मैं द मिलियनर्स क्लब के लिए क्वालिफाइड हो चुका हूँ। मुझे किसने मेरा नाम लिखा उसके बाद मेरा जाने मन पहला रिएक्शन गया, तो जब उन्होंने मेरा नाम लिखा प्यारे विवेक, उसके बाद मेरा अपना पहला पोस्ट गया था, वो पोस्ट इन्होंने ही बनाया था, हमारे चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने बनाया था पोस्ट, okay. उन्होंने डाला था मेरा, भाई मैं इस पे नहीं ध्यान, मैं तो खाली था कि हमारा अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है। आज क्या इंटेंशन है मैं उस पर सवाल नहीं करूँगा उनकी इंटेंशन पर, मैं खाली उनको ये प्रार्थना करूँगा कि जैसे आपने एक जिम्मेदार नागरिक होते हुए जजमेंट दिया कि स्कैम है स्कैम बंद होना चाहिए, आपने भारत के हित में दिया स्कैम है स्कैम बंद होना चाहिए, आप चाहते हैं कि भारत के बच्चों को सुरक्षित रखें, उनको गाइड करते हैं, आप मेंटर हैं, ठीक कर रहे हैं, आपकी इंटेंशन ठीक है, पर जब कोई जजमेंट देते हैं उससे पहले ट्रायल होता है, उससे पहले एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उससे पहले विटनेस बॉक्स खुलता है, है ना। अब ना तो कोई विटनेस, ना एग्जामिनेशन, ना क्रॉस एग्जामिनेशन, ना थर्ड पार्टी को समन किया, ना डिस्कशन, ना आर्ग्यूमेंट, ना फाइनल आर्ग्यूमेंट, ये स्टेजेस होती हैं किसी भी कोर्ट में ट्रायल की, ये स्टेजेस होती है। उसके बाद जब फाइनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, फाइनल आर्ग्यूमेंट के बाद जज अपने ऑर्डर को रिजर्व करता है, और उसके बाद सब स्टडी करके अपना टाइम लेके 10-20-30-40-50 पेज का एक ऑर्डर देता है, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा केस था। पर आपने क्या किया, 10 मिनट का एक वीडियो और वहां पे आपने ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद मेरे लिए पोस्ट लिख दिया प्यारे विवेक। तो मैं ये बोल रहा था, अगर मेरा एक मैसेज लेना है तो मैं ये कहूंगा कि संदीप जी आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत प्यार दिया सबको, और लोग भी आपसे प्यार करते हैं, पर क्योंकि लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है कि दूसरी साइड सुनना चाहिए, दूसरी साइड देखना चाहिए। दूसरी साइड अभी इतनी बड़ी है, इतना काम मैंने किया है, हाफ जाएंगे सुन लेंगे तो, मतलब ये मेरा अहंकार नहीं, ये मेरी टीम की मेहनत बोल रही है, ये मेरी टीम ने जो जान लगाई थी अपनी टेक्नोलॉजी पे। वहां कोई एक जेंटलमैन बोला पैसा वापस रिफंड नहीं करते, हमारा पॉलिसी है QoS, समझा रहे थे सबको, क्वालिटी ऑफ सेल्स, एक पूरा डिपार्टमेंट है। क्लाइंट को फोन जाता है, उसके साथ उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग उसको बताया जाता है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ठीक है, क्या आपको ये हमारे किसी अफिलिएट ने सब बताया था, वो बोलेगा हाँ बताया था, तो क्या आप इन टर्म्स के साथ 100 दिन आपको मेहनत करना है, ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लर्निंग सीखनी है, इतना प्रोग्राम अटेंड करना है, लाइव सेशन होंगे, क्वेश्चन आंसर होंगे, आपके टेस्ट होगा, एग्जामिनेशन होगा, ये सारी पॉलिसीज आपको बताई गई, मेरे को तो ये नहीं बताया, मेरे को तो गलत तरीके से बेच दिया, फिर आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपको सॉरी बोलेंगे खाली, और आपका पैसा उसी समय आपके अकाउंट में वापस चला आता है, वो रिफंड हो जाता है, ये हो गया स्टेज। भाई आप अगर वो बच्चा हो कि जी ना तो मैं पढ़ूंगा, ना पढ़ने दूंगा, ना आऊंगा, मैं तो बस जी आया हूँ, मेरा ऐसी चक्कर काटने आया था, जो मैंने कमिट किया वो सारी कमिटमेंट के अगेंस्ट जाऊंगा और आपसे पैसे मांगूंगा खाली, या तंग करूंगा या वीडियो बनाऊंगा, तो डोंट गेट देयर, जस्ट लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव क्रिएटेड, लुक एट द ट्रांसपेरेंसी वी हैव बीन बिल्डिंग। बहुत टाइम लगा इसके अंदर सर, बहुत टाइम लगा, एक एक प्रॉब्लम पकड़ पकड़ के, नहीं तो सस्टेन नहीं कर पाते। आप दूसरी साइड नहीं देखी अभी तक, क्योंकि दूसरी साइड हम आके बात ही नहीं करते उसके बारे में, बंद ही कर दिया हमने वो, अरे विवेक उसके बाद नहीं, फिर मैं सोचा है तो दिस इज ओनली, इट्स नॉट गोइंग टू बी मैच्योर, ये मैच्योर तरीका नहीं है, ये मैच्योर तरीका नहीं है कि सोशल मीडिया पे आगे शोर मचाते रहें और वो कुछ बोले मैं कुछ बोलूं, वो कुछ बोले और लोगों को मजा आ जाएगा, है जी कि मेरे व्यूअरशिप आ जाएंगे, 2 कीवर्ड डालूंगा, संदीप महेश्वरी विवेक बिंद्रा, दोनों के मिला के 50-1 लाख सब्सक्राइबर तो हो ही जाते होंगे हमारे, नहीं 50 लाख नहीं कहेंगे, कुछ व्यूअरशिप हमारा भी, आज हमारी भी दुकान चल जाएगी तो लोग मजा लेंगे इसमें, और क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। किसी ने ऐसा बोल दिया, किसी ने मुझे गाली दे दिया, अभी उस समय बहुत सारी गालियाँ आ रखी हैं, बहुत लोगों ने गालियाँ दी हैं, वो अच्छा काम फिर से देखेंगे, लोग भी दयालु हैं, लोग भी समझते हैं कि अगले ने माफ़ी मांग के, मई में मैं जो मेरी अपनी टीम है जिसके साथ तकलीफ है मैं उसको एड्रेस कर रहा हूँ ना, बाकी पब्लिक का इससे क्या रिलेशनशिप।
ऐसा मैंने सोचा नहीं, मान सकता कैसी रही है। पर हाँ, मेरी एक्चुअली पिछले 15-20 दिन से, एक महीने से तबीयत थोड़ी खराब चल रही थी, फीवर चल रहा था। मैं 2-3 दफा एडमिट रहा हॉस्पिटल में, और पहले से ही बिजनेस में हमने इतने सारे चेंजेस किए, तो बिजनेस में एक डिप होता है तो जिसको वापस हम लोग रिवाइव कर रहे थे, तो अपने कामों में लगे हुए हैं। हम 10-day MBA बनाने में लगे हुए हैं सब किस्म के, 10-day MBA रेडी करते हैं, उसी पर दिमाग लगाते हैं, तो उसी पर फोकस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अगर अपन गोल पर फोकस नहीं करेंगे और ये देखते रहेंगे इसने ये लिख दिया, इसने वो लिख दिया, तो हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे। ठीक करने के लिए हमारे को विष को खत्म करने के लिए अमृत की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। जितने ज़्यादा अमृत की मात्रा बढ़ाते रहेंगे, हाँ, उनकी तरफ से इन्विटेशन आता है कि हाँ जी, आपने इन्वाइट किया डॉक्टर बिंद्रा, हमने सुन लिया, बैठ जाते हैं साथ में, इस चर्चा को जो अधूरी है पूरी कर लेते हैं, उसको मैं अटेंशन दूंगा। बाकी सब, बाकी ही इज डूइंग फैंटास्टिक वर्क, ही शुड कंटिन्यू। अगर आपको हिंदी में बिलियनेयर्स से सीखने में भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, तो ये आप कब पता लगा सकते हो? जब आप किसी चीज को खाओगे। अगर आपने कुछ खाया नहीं तो उसके स्वाद को आप बता नहीं सकते कैसा है वो। तो एक बार ऐसा व्यक्ति चेक करते हैं जिसने अटेंड कितना किया, जो सवाल पूछना होगा। और मुझे लगता है कि संदीप जी को भी पूछना चाहिए था वहाँ पे कि 18-19 साल का लड़का है ऐसा बोल रहा है, तो उल्टा उनको सवाल करना चाहिए ताकि दोनों पर्सपेक्टिव मिले। जब आदमी अटेंड कर रहा होगा ना, तो समझ में आएगा कि उसको वैल्यू मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। 5,000 लोगों को वापस भेजा हमने, जगह नहीं थी हमारे पास वहाँ,